Welcome back, my dear kids. How are you? I am Payal, your computer teacher. Today, we will start our new chapter of our book, Computer by BrainRoot series. The name of our book is Cyber Creators Class 1. आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर का नाम है कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर, कंप्यूटर हर जगह. तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या क्या यूज होता है, प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज, और वो जगह जहां पर कंप्यूटर का उपयोग होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बिफोर वी बिगिन, स्टार्ट करने से पहले आपको एक एक्टिविटी करनी है. राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी फोर प्लेसेस वेयर यू सी कंप्यूटर. आपको कोई चार जगहों के नाम लिखने हैं जहां पर आपने कंप्यूटर यूज होते हुए देखा है. तो बताइए कहां कहां देखा है. सबसे पहले तो हमने कंप्यूटर देखा है अपने स्कूल में, SCHOOL schools. एंड नंबर 2 और कहाँ देखा है आपने? आई होप कि आपने सेकेंड नंबर पर कंप्यूटर देखा होगा शॉप्स में. कहाँ देखा होगा? शॉप्स में. बाकी दो जगह का नाम आप खुद सोचेंगे और आप लिखेंगे. नाउ यूजेस ऑफ कंप्यूटर, अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के क्या क्या यूजेस होते हैं. अ कंप्यूटर इज अ यूजफुल मशीन, कंप्यूटर एक बहुत यूजफुल मशीन है. वी कैन यूज अ कंप्यूटर टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, हम कंप्यूटर का इस्तेमाल अलग अलग तरीके के काम करने में करते हैं. यूजिंग अ कंप्यूटर वी कैन, कंप्यूटर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? प्ले गेम, हम गेम खेल सकते हैं कंप्यूटर पर. लिसन टू म्यूजिक, हम म्यूजिक सुन सकते हैं. टाइप लेटर्स, पोएम एंड स्टोरीज, कंप्यूटर पर हम लेटर टाइप कर सकते हैं, पोएम टाइप कर सकते हैं और स्टोरीज टाइप कर सकते हैं. ड्रॉ एंड कलर पिक्चर, हम पिक्चर्स को ड्रॉ और कलर कर सकते हैं. किसकी हेल्प से? कंप्यूटर की हेल्प से. सॉल्व सम्स, कंप्यूटर हमारी हेल्प करता है कोई भी सम्स को सॉल्व करने में. द नेक्स्ट, वॉच कार्टून्स एंड मूवीज, हम कंप्यूटर पर कार्टून्स देख सकते हैं और डिफरेंट मूवीज देख सकते हैं. चैटिंग एंड ऑल्सो मेकिंग टेलीफोन कॉल्स, हम कंप्यूटर का यूज चैटिंग करने के लिए कर सकते हैं और टेलीफोन कॉल्स के लिए भी हम इसका यूज करते हैं. सेंड एंड रिसीव मैसेजेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और हम दुनिया के किसी भी कोने में मैसेज भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं. किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. इन आवर डेली लाइफ वी यूज मशीन्स लाइक टेलीविजन, रेडियो, वॉशिंग मशीन्स, मिक्सर, म्यूजिक सिस्टम, टेलीफोन एक्सेट्रा. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सी मशीन्स का यूज करते हैं. कौन कौन सी मशीन्स का करते हैं? हम वॉशिंग मशीन का करते हैं, मिक्सर का, फ्रिज का, म्यूजिक सिस्टम का और टेलीफोन का. अ कंप्यूटर कैन ऑल्सो डू द वर्क ऑफ सम ऑफ दीज मशीन्स, और कंप्यूटर भी क्या करता है? इनमें से कुछ मशीन्स का वर्क करता है. लुक एट सम एग्जाम्पल, तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. अ टेलीविजन इज यूज टू वॉच मूवीज, वी कैन ऑल्सो वॉच मूवीज ऑन अ कंप्यूटर. अब टेलीविजन का यूज हम किस लिए करते हैं? मूवीज देखने के लिए करते हैं. और कंप्यूटर का यूज भी हम किस लिए करते हैं? मूवीज देखने के लिए. द नेक्स्ट वन, अ कैलकुलेटर इज यूज टू सॉल्व सम, कैलकुलेटर हमारी हेल्प करता है किसी भी सम को सॉल्व करने के लिए. वी कैन ऑल्सो सॉल्व सम्स ऑन अ कंप्यूटर, और हम कंप्यूटर पर भी क्या कर सकते हैं? सम्स को सॉल्व कर सकते हैं. अ म्यूजिक सिस्टम इज यूज टू लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक सिस्टम की हेल्प से हम म्यूजिक सुनते हैं. वी कैन ऑल्सो लिसन टू म्यूजिक ऑन अ कंप्यूटर, और हम कंप्यूटर की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं? म्यूजिक सुन सकते हैं. अ कंप्यूटर कैन हेल्प यू टू डू सर्वल थिंग्स, बट देयर आर
also many things that it cannot do. कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन कुछ काम, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंप्यूटर नहीं कर सकता. अ कार इज़ यूज टू टेकिंग अस टू डिफरेंट प्लेसेस. कार की हेल्प से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. बट अ कंप्यूटर कैन नॉट बी यूज टू टेकिंग अस टू डिफरेंट प्लेसेस. लेकिन कंप्यूटर हमें एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता. कार इस काम में हमारी हेल्प करती है, लेकिन कंप्यूटर इस काम में हमारी हेल्प नहीं कर सकता. अ जूसर इज यूज टू मेक अ जूस. जूसर की हेल्प से हम जूस बनाते हैं. बट अ कंप्यूटर कैन नॉट बी यूज टू मेक अ जूस. लेकिन कंप्यूटर की हेल्प से हम जूस नहीं बना सकते. अ वैक्यूम क्लीनर इज यूज टू क्लीन द रूम. विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम क्लीनर हम घर साफ कर सकते हैं, अपना रूम साफ कर सकते हैं. बट अ कंप्यूटर कैन नॉट बी यूज टू क्लीन द रूम. लेकिन कंप्यूटर कमरा साफ करने में हमारी हेल्प नहीं कर सकता. लेट अस डू. तो चलिए अब हम फिर एक एक्टिविटी करते हैं. लेट्स स्टार्ट. फाइंड आउट एनी 10 थिंग्स डेट अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो. तो अब आपको क्या करना है, आपको 10 ऐसी चीज़ें सोचनी हैं जो कंप्यूटर नहीं कर सकता और उनको आपको दिए हुए स्पेस में लिखना है. दिस एक्सरसाइज यू विल डू बाय योरसेल्फ. नाउ प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज. अब हम वो जगहों के नाम पढ़ेंगे जहाँ पर कंप्यूटर यूज होता है. लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज. तो चलिए अब हम डिफरेंट प्लेसेस के बारे में पढ़ते हैं जहाँ पर कंप्यूटर यूज होता है. नंबर 1 इन स्कूल. कंप्यूटर स्कूल में यूज होता है और किन किन कामों में यूज होता है अब हम उनको पढ़ते हैं. टू टीच स्टूडेंट्स. बच्चों को पढ़ाने में कंप्यूटर हमारी हेल्प करता है. टू मेक टेस्ट पेपर्स, मार्कशीट्स एंड रिपोर्ट कार्ड. हम कंप्यूटर की हेल्प से टेस्ट पेपर बनाते हैं, मार्कशीट्स बनाते हैं और क्या बनाते हैं, बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स बनाते हैं. टू प्रिपेयर टाइम टेबल. आपकी टीचर कंप्यूटर की हेल्प से टाइम टेबल प्रिपेयर करती हैं. टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ बुक्स इन स्कूल लाइब्रेरीज. और हम स्कूल की लाइब्रेरीज की बुक का रिकॉर्ड किसकी हेल्प से बना सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. नेक्स्ट एट होम. अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का यूज़ घर में किन किन कामों में होता है. टू मेक प्रोजेक्ट्स. जब आपको कोई होमवर्क मिलता है, कोई प्रोजेक्ट मिलता है घर के लिए, तो उसमें आपकी मदद कौन करता है, कंप्यूटर. टू लिसन म्यूज़िक. अब और किस लिए आप यूज़ करते हैं, म्यूज़िक सुनने के लिए. वॉच मूवीज़. मूवीज़ देखने के लिए. प्ले गेम. और फ्री टाइम में गेम खेलने के लिए. नाउ एक्स्ट्रा बाइट्स. अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा बाइट बताऊंगी. कंप्यूटर कैन इवन टेल अस अबाउट द वेदर इन एडवांस. कंप्यूटर वेदर की इंफॉर्मेशन हमें एडवांस में दे सकता है. इन हॉस्पिटल्स. अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का यूज हॉस्पिटल में किन किन कामों के लिए किया जाता है. फॉर आई टेस्टिंग. आंखें टेस्ट करने के लिए. टू प्रिपेयर एंड प्रिंट मेडिकल रिपोर्ट. पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट बनाने में और उसके प्रिंट लेने के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है. टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल पेशेंट इन अ हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट हैं हम मैन्युअली, मतलब हाथ से उनका रिकॉर्ड प्रिपेयर नहीं कर सकते. उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, वी विल टेक द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. टू परफॉर्म ऑपरेशन. डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. कुछ भी ऑपरेशन से रिलेटेड उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए वो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. इन बैंक. अब हम पढ़ेंगे बैंक्स में कंप्यूटर का यूज़ किन किन कामों के लिए किया जाता है.
टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कस्टमर, सभी कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड बनाने के लिए कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं। टू डू कैलकुलेशन, बैंक में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं तो कंप्यूटर हमारी हेल्प करता है। टू टेक आउट मनी फ्रॉम एटीएम मशीन, और एटीएम मशीन से मनी विड्रॉल करने के लिए भी। अब आप बताइए एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, कि वो मशीन जो ऑटोमेटिक काम करती है। जब आप एटीएम में पैसा लेने जाते हैं, निकालने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? अपना एटीएम कार्ड लगाते हैं, पिन डालते हैं और पैसे आ जाते हैं। तो वो किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स इन ऑफिसेज। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑफिसेज में क्या क्या काम करता है। टू टाइप लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, लेटर और डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए। टू सेंड एंड रिसीव ईमेल, ईमेल भेजने और ईमेल रिसीव करने के लिए भी कंप्यूटर की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए भी हम कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं। टू डू कैलकुलेशंस, ऑफिस की भी जो कैलकुलेशंस करनी होती हैं हमें उसके लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। एक्स्ट्रा बाइट, नाउ आई विल टेल यू वन मोर एक्स्ट्रा बाइट। ईमेल्स आर लेटर सेंड यूजिंग अ कंप्यूटर, ईमेल क्या है? एक लेटर है जो हम कंप्यूटर की हेल्प से भेजते हैं। दे आर सिमिलर टू द लेटर यू पोस्ट एट द पोस्ट ऑफिस, ये बिल्कुल पोस्ट ऑफिस में जैसा हम लेटर भेजते हैं उसी की तरह एक लेटर होता है। नाउ इन रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट, अब हम कंप्यूटर का यूज़ पढ़ेंगे रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पर कैसे किया जाता है। टू इंफॉर्म अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स, ट्रेन और फ्लाइट्स के अराइवल और डिपार्चर टाइम को बताने के लिए। टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल पैसेंजर्स, सभी यात्रियों का रिकॉर्ड बनाने के लिए। फॉर बुकिंग टिकट्स, और टिकट्स को बुक करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मैनर, ऑलवेज कवर द कंप्यूटर व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़, हमेशा कंप्यूटर को कवर करके रखिए जब आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेट अस रिवाइंड, तो चलिए अभी तक हमने जितना भी चैप्टर में पढ़ा उसको हम एक बार क्या करते हैं? रिवाइंड करते हैं। अ कंप्यूटर इज अ यूजफुल मशीन, वी कैन यूज अ कंप्यूटर टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। कंप्यूटर एक बहुत महत्वपूर्ण मशीन है, इसका यूज़ हम बहुत सारे अलग अलग कामों को करने के लिए करते हैं। यूजिंग अ कंप्यूटर वी कैन, कंप्यूटर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? प्ले गेम्स, टाइप लेटर्स, पोएम एंड स्टोरीज, सॉल्व सम, लर्न अबाउट न्यू थिंग, नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। लिसन म्यूजिक, म्यूजिक को सुन सकते हैं। ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स, वॉच कार्टून्स एंड मूवी, अच्छी अच्छी मूवीज देख सकते हैं, कार्टून्स देख सकते हैं। सेंड एंड रिसीव मैसेजेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कंप्यूटर आर यूज एट डिफरेंट प्लेसेस लाइक, कंप्यूटर अलग अलग जगहों पर यूज़ होता है। कौन कौन सी जगहों पर यूज़ होता है? इन स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिसेस, एट होम, इन बैंक, इन रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट्स। तो देखा आपने कि कंप्यूटर का यूज़ कितनी सारी जगहों पर किया जाता है। तो बच्चों इस चैप्टर में आपने कंप्यूटर की यूजेस और उन जगहों के बारे में पढ़ा जहां पर कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। चलिए अब उससे रिलेटेड हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। नंबर वन, टेक द करेक्ट ऑप्शन, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके क्या हैं? चार ऑप्शंस हैं, आपको क्वेश्चन को पढ़कर सही ऑप्शन पर टिक का निशान लगाना है। नंबर वन, वी कैन नॉट वॉच मूवीज ऑन अ कंप्यूटर इन,
हम कंप्यूटर पर मूवी कहाँ नहीं देख सकते? स्कूल, होम, बोथ, ए बी सी, नन ऑफ दीज। स्कूल में नहीं देख सकते, घर पे नहीं देख सकते, दोनों जगह पर नहीं देख सकते। तो हम मूवी कहाँ नहीं देख सकते? स्कूल में नहीं देख सकते। नेक्स्ट, वी कैन यूज़ अ कंप्यूटर टू, हम कंप्यूटर का यूज़ किस लिए करते हैं? कुक फूड, खाना बनाने के लिए, सॉल्व सम, ड्रिंक वाटर, और नन ऑफ दीज। वी कैन यूज़ अ कंप्यूटर टू सॉल्व सम। तो नंबर बी वाले ऑप्शन पर हम क्या लगाएंगे? टिक का निशान लगाएंगे। नंबर थ्री, वी कैन नॉट यूज़ अ कंप्यूटर टू, हम कंप्यूटर का यूज़ किस लिए नहीं कर सकते? टू ड्रॉ पिक्चर्स, स्विम, प्ले गेम्स, वॉच मूवीज़। तो इसमें से कंप्यूटर का यूज़ किस लिए नहीं होता? स्विम, स्विम का मतलब तैरने के लिए, जब हमें तैरना है तो उसमें कंप्यूटर हमारी हेल्प नहीं कर सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे हम। वी कैन डैश टू म्यूजिक ऑन अ कंप्यूटर, हम म्यूजिक क्या कर सकते हैं? लिसन, एल आई एस टी ई एन, लिसन। नंबर टू, वी कैन टाइप डैश एंड डॉक्यूमेंट्स ऑन अ कंप्यूटर, हम डॉक्यूमेंट्स और क्या टाइप कर सकते हैं कंप्यूटर पर? लेटर्स, एल ई डबल टी ई आर एस, लेटर्स। वी कैन डैश सम्स ऑन अ कंप्यूटर, हम सम्स को क्या कर सकते हैं कंप्यूटर पर? वी कैन सॉल्व, एस ओ एल वी ई, सॉल्व। इन डैश कंप्यूटर आर यूज फॉर आई टेस्टिंग, बताइए कहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ होता है आई टेस्टिंग के लिए? इन हॉस्पिटल, एच ओ एस पी आई टी ए एल एस, हॉस्पिटल्स। नंबर फाइव, इन बैंक्स कंप्यूटर आर यूज टू डू, बैंक में कंप्यूटर किस लिए यूज होता है? टू डू कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस करने के लिए। नंबर सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनमें से जो सही स्टेटमेंट है उसके लिए आप टी का यूज़ करेंगे और जो गलत है उसके लिए आप एफ का यूज़ करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम स्टेटमेंट्स। वी कैन प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल में कंप्यूटर पर गेम खेल सकते हैं? इट इज़ फॉल्स, हम घर में गेम खेल सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर आर यूज इन ऑफिस टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स, कंप्यूटर का यूज़ ऑफिस में पिक्चर्स ड्रॉ और कलर करने के लिए होता है? नो, दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर थ्री, कंप्यूटर आर यूज टू इंफॉर्म अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन्स एंड फ्लाइट, कंप्यूटर का यूज़ ट्रेन और फ्लाइट्स के अराइवल और डिपार्चर के लिए किया जाता है? यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। फोर्थ एंड फिफ्थ यू विल रीड बाय योरसेल्फ एंड गिव आंसर बाय योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें क्या करना है उसके आंसर देने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, राइट डाउन एनी टू यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कोई दो यूजेस लिखिए, बताइए। सबसे पहला है सॉल्व सम्स, सम्स को सॉल्व करने के लिए, और किस लिए यूज होता है? टू टाइप लेटर, टू टाइप लेटर्स, एल ई डबल टी ई आर एस, लेटर्स। नेक्स्ट वन, राइट डाउन एनी टू थिंग्स डेट कंप्यूटर कैन नॉट डू, वो दो चीज़ें लिखिए जो कंप्यूटर नहीं कर सकता। तो ये आप खुद लिखेंगे, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नंबर थ्री, राइट एनी वन यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन स्कूल, कंप्यूटर का यूज़ स्कूल में किस लिए किया जाता है? कोई एक यूज़ बताइए। तो इसका यूज़ होता है टू प्रिंट रिपोर्ट कार्ड्स, रिपोर्ट कार्ड्स को प्रिंट करने के लिए, रिपोर्ट कार्ड्स। नंबर फोर, राइट एनी वन यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन ऑफिस, ऑफिस में कंप्यूटर का कोई एक यूज़ बताइए।
टू टाइप लेटर्स, लेटर्स को टाइप करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एनी वन यूज ऑफ कंप्यूटर इन बैंक। आप चैप्टर को पढ़िए और कंप्यूटर का कोई एक यूज बैंक में क्यों होता है आपको उसका आंसर खुद लिखना है। यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 बाय योरसेल्फ। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने कंप्यूटर के यूजेस और उन जगहों के बारे में पढ़ा जहां पर कंप्यूटर यूज होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।